पुष्कर सिंह धामी का एक महीने का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पूरा हो चुका है। एक महीने में धामी सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए और क्यों नीतिगत मामलों को टालने की कोशिश धामी सरकार कर रही है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम चर्चा कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के एक महीने की। एक महीना पूरा हो चुका है और धामी सरकार ने बहुत सारे ऐसे विवादित मुद्दे उत्तराखंड में रहे हैं जिनको सुलझाने के बजाय उन्हें टालने का काम किया है। धामी सरकार ने विवादित देवस्थानम बोर्ड पर स्पष्ट रुख अपनाया नहीं है और देवस्थानम बोर्ड पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। देवस्थानम बोर्ड पर धामी से ठीक पहले के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसे रद्द करने का ऐलान किया था। देवस्थानम बोर्ड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया था और तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। एक भू कानून त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार लेकर आई थी, लेकिन उस भू कानून में अच्छा खासा विवाद पैदा हो गया है। धामी सरकार ने भी इस विवादित कानून पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, बल्कि इस कानून के संदर्भ में भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात कही है, जो कि मुख्य सचिव एस एस संधू की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। उत्तराखंड के कई विभाग हैं, कई विभागों में वेतन की विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कर्मचारी संगठन लामबंद हुए रहते हैं, चुनावी वर्ष में अपना दबाव सरकार पर डाल रहे हैं। उन दबावों से बचने के लिए धामी सरकार ने इंदु पांडे, जो पूर्व आईएएस हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। उपनल कर्मचारी भी लगातार अपने वेतन को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों का निस्तारण करने के बजाय पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वहां पर भी एक कमेटी का गठन कर दिया है। नीतिगत मामलों में बड़े फैसले लेने से धामी सरकार बच रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी राज्य के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही, लेकिन धामी बतौर मुख्यमंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे को भी एक तरीके से टाल दिया गया है। मुद्दों को टालने के पीछे वजह बिल्कुल स्पष्ट है। यह चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कोई हबड़ तबड़ धामी सरकार या पुष्कर सिंह धामी नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो बहुत आराम से इत्मीनान से फैसला करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी एक मुद्दे पर अगर वो फैसला लेते हैं तो उस फैसले का पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, और अगर उस फैसले पे भी कोई खामी निकल कर आई तो उस पर कोई भी बचाव करने की मुद्रा में सरकार नहीं होगी, उनके पास समय नहीं होगा और चुनाव सर पर खड़ा हुआ है। यही वजह है कि विवादित मुद्दों को टालने की कोशिश की गई है। एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला धामी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 6-8 महीने में 20-22 हजार बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने जा रही है, स्थायी रोजगार, स्थायी नौकरी देने जा रही है। इसकी तैयारी जो सर्विस कमीशन हैं, उन्होंने शुरू कर दी है। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इसी फैसले को कहा जा सकता है कि धामी सरकार ने पिछले एक महीने में कुछ काम किया है। शासन और प्रशासन में धामी सरकार ने कुछ बड़े फेरबदल जरूर किए हैं, लेकिन इसमें भी धामी सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर आई जरूर है, क्योंकि उनके ही कुछ सहयोगियों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि जिन अधिकारियों पर पिछली सरकारों ने जांच बैठाई थी, उन अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो देखना यह होगा कि आने वाले कुछ महीनों में कौन कौन सी कमेटियों की रिपोर्ट आती है, उन रिपोर्ट्स के आधार पर पुष्कर सिंह धामी क्या क्या फैसले लेते हैं और जनता को क्या फायदा मिल पाता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।